नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि ITI का एडमिट कार्ड कैसे आप लोग निकाल सकते हैं, चाहे आप फर्स्ट ईयर के कैंडिडेट हों या सेकंड ईयर के। तो देखिए दोस्तों, एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आप लोगों को ऑब्जेक्टिव सेंटर .in ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है। इस पर आने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखेंगे ब्लैक कलर से पिन किया हुआ मिल जाएगा ITI एडमिट कार्ड 2024 डाउनलोड लिंक, या तो आप लोग चाहें तो इस पर क्लिक कर सकते हैं। या एडमिट कार्ड वाले सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा आपको ITI प्रैक्टिकल हॉल टिकट डाउनलोड करने का, ठीक। या फिर दोस्तों ITI एग्जाम वाले सेक्शन में जाएंगे तो भी आपको मिल जाएगा। जैसे ही जाएंगे वहाँ पर दोस्तों एक लिंक मिलेगा जहाँ पर, यहाँ पर दोस्तों आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना है। अब देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर कैसे डालना है वो मैं आप लोगों को बता दूं। जैसे कि आप लोगों का जो रोल नंबर स्टार्ट हो रहा है, अगर वो ऐसे करके कुछ स्टार्ट हो रहा है तो आप लोग क्या करिएगा दोस्तों, आगे का जो 00 है, यहाँ पर देखेंगे आगे 00 है, यहाँ पर आपका 22 होगा सेकेंड ईयर वालों का, फर्स्ट ईयर वालों का यहाँ पर 23 होगा रजिस्ट्रेशन में। तो आप लोग क्या करिएगा कि आगे का जो 200 है, ठीक, आप लोग इसको हटा दीजिएगा यहाँ से। देखिए इस तरह से हटा दीजिएगा, हटाने के बाद इसके जगह पर कैपिटल R लिख दीजिएगा, ठीक। कैपिटल R लिखने के बाद जैसे किसी के पिताजी का नाम है अरविंद कुमार, तो आप लोग ARVIND लिखिएगा। कुमार लिखना है तो इस कुमार का पहला अक्षर K कैपिटल में लिखिएगा, बाकी सब स्मॉल में लिखिएगा। तो इसी फॉर्मेट में आपको लिख देना है। और डेट ऑफ बर्थ आप लोग कैलेंडर से चूज कर सकते हैं, जैसे कि किसी का डेट ऑफ बर्थ अगर इतना है तो 8 जुलाई 1998 है, तो आप लोग अगर इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं तो लिख दीजिएगा, या फिर दोस्तों कैलेंडर से आप लोग चूज कर लीजिएगा। चूज करने के बाद दोस्तों आप लोग कैप्चा कोड यहां पर डालिएगा, ठीक। कैप्चा कोड डालने के बाद दोस्तों यहां पर देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर मैंने यहां पर पूरा नहीं डाला है, तो आप लोग यहाँ पर अपना पूरा रजिस्ट्रेशन नंबर जो होगा वो अपना डाल दीजिएगा, ठीक। और यहाँ पर कैप्चा कोड डालने के बाद यहाँ पर रिमेम्बर मी पर आप लोग सबमिट करेंगे, क्लिक करके इसके बाद सबमिट करेंगे तो हो सकता है दोस्तों आपका ओपन ना हो, क्योंकि दोस्तों कैप्चा कोड आपको फिर से वहाँ पर रंग बताएगा। तो आप लोगों को तुरंत फिर से फिल कर लेना है, रिफ्रेश करके तुरंत फिर से फिल कर लेना है। इसके बाद सबमिट वाले बटन पर जब दोबारा आप लोग क्लिक करेंगे तो आप लोगों का जो पेज है कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों जो आप लोगों का पेज है कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आपका ट्रेनिंग नेम सेशन दिखाई देगा यहाँ पर, और एडमिशन डेट ये सब कुछ, माता जी का नाम, ट्रेनिंग नेम, मोबाइल नंबर, हाई स्कूल, ये सब कुछ हैगा। और जस्ट इसके नीचे आपको जाना है। जैसे ही दोस्तों आप लोग इसके नीचे जाएंगे तो देखिए आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा नीचे। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर फर्स्ट ईयर लिखा रहेगा, यहाँ पर सेकेंड ईयर लिखा रहेगा, साइड में रहेगा दोस्तों आपका हॉल टिकट, जो कि आपका प्रैक्टिकल वाला हॉल टिकट यहाँ से फर्स्ट ईयर का, यहाँ से सेकंड ईयर का डाउनलोड होगा। CBT हॉल टिकट यहाँ से फर्स्ट ईयर का, यहाँ से सेकंड ईयर का डाउनलोड होगा। तो यहाँ पर देखिए मैं सेकंड ईयर के, ये हैं, तो यहाँ पर हॉल टिकट के नीचे यहाँ पर मैं सेकंड ईयर पर क्लिक करूँगा, और ये जो आइकन है आप लोगों को इस पर टच करना है। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये डाउनलोड हो गया हॉल टिकट। अब इसको लेकिन दोस्तों हम लोग ओपन करेंगे, यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर ये ब्लैंक दिखा रहा है अभी फिलहाल। तो दोस्तों अभी क्या है कि इनका हॉल टिकट जनरेट नहीं हुआ है, आप लोग अपना खोल के चेक करिए। अगर आप लोगों का हॉल टिकट अगर जनरेट हो गया होगा तो यहीं पर आप लोगों का हॉल टिकट आएगा, ठीक। तो जिनका हॉल टिकट जनरेट हो गया है आप लोग यहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और जो CBT हॉल टिकट है दोस्तों आप लोग यहां से डाउनलोड कर पाएंगे इस वाले आइकन पर क्लिक करके, ठीक। तो आप लोग भी एक बार जाके चेक कर लीजिए, अगर जिनका आया है उनका अच्छी बात है, जिनका नहीं आया है कुछ देर में आना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों अभी काफ़ी सारे लोगों का ब्लैंक ही दिखा रहा है। तो आज आना है तो आज आ जाएगा, लेट सवेर कभी भी, आज नहीं तो कल आपका आ ही जाएगा, क्योंकि अपडेट होने में समय लगता है, ठीक। तो जाके आप लोग अपना हॉल टिकट और CBT जो टिकट है आप लोग जाके डाउनलोड कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर दोस्तों ऑब्जेक्टिव सेंटर .in ऑफिशियल वेबसाइट से जाके चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आएंगे और इसके बाद यहाँ पर जाएंगे तो ITI एडमिट कार्ड 2024 डाउनलोड लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। और देखिए नीचे जाएंगे तो यहाँ पर ITI एग्जाम का एक सेक्शन दिखेगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए ITI एग्जाम का एक सेक्शन है जहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा काफ़ी सारे। यहाँ पर देखिए प्रीवियस ईयर का पेपर जो 2023 में हुआ था, और निम्मी का क्वेश्चन बैंक आपको मिल जाएगा यहाँ पर, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का सभी कैंडिडेट के लिए। और आप लोगों के लिए यहाँ पर दोस्तों एक टेलीग्राम ग्रुप भी ओपन कर दिया गया है, जो कि दोस्तों यहाँ पर टेलीग्राम है ITI NCVT नाम से है,
ITA NCVT ग्रुप नाम से, तो आप लोग उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक, वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और यहाँ पर आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप का लिंक मिलेगा, आप लोग उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।